हेलो स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैथ है उन बच्चों के लिए जो SST बैंक की तैयारी कर रहे हैं फिर या वन डे एग्जाम की। प्रतिशत परसेंटेज क्या है? परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या कहते हैं? किसी चीज़ पे 100 पे कोई चीज़ हम निकालते हैं तो वही क्या होता है? प्रतिशत होता है, ठीक है। जैसे 100 में 80 मार्क्स किसी बच्चे को मिला, इसका मतलब क्या है? 80% मार्क्स उसको मिला। तो जैसे इसमें क्या कहते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करना चाहिए। कोई अगर भिन्न है उसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे हम? उसे 100 से गुणा करते हैं। दूसरा चीज है, यदि किसी संख्या का मान 8% बढ़ा दिया जाए फिर 8% कम कर दिया जाए तो इस स्थिति में क्या होती है? सदैव कमी होती है, यानी हमेशा प्रतिशत में इस तरह से कमी होती है। कोई संख्या जैसे या किसी वस्तु का दाम 8% बढ़ा दिया जाए फिर जो है 8% घटा दिया जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होगी? कमी होगी। और कमी कितनी होगी? कमी बराबर r × 8% / 100 ये प्रतिशत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, ये सब हमें याद करना पड़ता है। यदि a का वेतन b के वेतन से क्या है? 100% अधिक है। यदि a का वेतन b के वेतन से 100% अधिक हो तो b का वेतन a से कितने प्रतिशत कम है? बराबर क्या हो जाएगा? तो x अपान 100 प्लस x इंटू 100 ये परसेंटेज में आएगा। x अपान 100 प्लस x इंटू 100 इस तरह का भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है कि 20% किसी का, जैसे a का वेतन b से 20% अधिक है तो b का वेतन a से कितने प्रतिशत कम है? यही फार्मूला हम इस तरह का यूज करेंगे। अब देखते हैं आगे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी हो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो? 8% की कमी हो तो खर्च में 3% वृद्धि, जिससे खर्च अपवर्तित रहे तो वृद्धि क्या हो जाएगी? तो वृद्धि बराबर r/100 - r × 100। इसमें वृद्धि निकालना है तो 100 - r करेंगे, और जब कमी निकालना हो तो r/100 + r हो जाता है × 100%। अब हम आगे देखते हैं 5% लाभ। अब क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर कमी गुणे 100 / वास्तविक माप माइनस कमी, यानी प्रतिशत लाभ क्या होता है? कमी गुणे 100। जैसे कोई बनिया जैसे 1 किलो की जगह पर कितना दे रहा है? 900 ग्राम, तो 100 की कमी हो गई 100 ग्राम की, तो कमी गुणे 100 / वास्तविक माप यानी 1 किलो में से यानी कमी हम घटा देंगे तो उसके वेट से हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ कितना हुआ। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या अयद की है, किसी शहर की जनसंख्या क्या है? की है, और 8% वार्षिक दर पर बढ़ती है तथा n वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? बराबर p × 1 r/100 n, जहां पर n क्या है? समय है, p जो है वर्तमान जनसंख्या है, और यानी कि जो टोटल जनसंख्या बाद में क्या होगी तो यही हो जाएगा p बराबर, यानी a मान लिया जाए a = p × 1 r/100 n। और क्या होता है? यदि मान लीजिए प्रत्येक वर्ष पहले वर्ष में r1 है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की दर पहले वर्ष r1 है, दूसरे वर्ष r2, तीसरे वर्ष क्या है? r3, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो जनसंख्या यानी कि कुल जनसंख्या क्या होगी 3 वर्ष बाद? बराबर p × 1 r/100 1 r/2 / 100 1 r/3 / 100, यहाँ पर p क्या है? वर्तमान जनसंख्या है, r1 जो है पहले वर्ष में वृद्धि दर, और r2 क्या है? दूसरे वर्ष की वृद्धि दर, और r3 क्या है? तीसरे वर्ष की वृद्धि दर है। अब इस बेस पे जो है हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, इसके आधार पे हम औसत यानी परसेंटेज का एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। जैसे 35-75 का कितने प्रतिशत है? 35-75 का कितने प्रतिशत है तो इसको हम कैसे करेंगे? यानी कि 35/75, यानी 35/75 का कितने प्रतिशत है तो जिसका निकालना होता है 35/75 × 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 46.66%। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन क्या है? बी के वेतन से 50% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? x अपान 100 प्लस x गुणे 100, 50 से 50 / 100 + 50 / 100
बराबर क्या हो जाएगा 1/3 × 100 बराबर क्या होगा 35 सही 1/3%। 35 सही क्या हो जाएगा 1/3% होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो, यदि चने के मूल्य में कितनी कमी है, 20% की कमी हो जाए, तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जितने का सामान ला रहे थे उतना ही खर्च पड़े। वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगी, R/100 - R। जब हमें वृद्धि निकालना हो तो नीचे क्या होता है, R/100 - R × 100%। अब यहाँ पर 20 है, 20/100 - 20 × 100 हो जाएगा, तो 20/80 × 100 हो जाएगा 20/80। और इसको जब काटेंगे 20/80 हो गया, 4 को 100 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25%। इस तरह से 25% हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करना पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, उड़ान ज्ञात कीजिए। इसमें पहले हम अंतर देखते हैं, क्या देखते हैं अंतर। मान लिया उड़ान, इसमें 60 हम मेथड बता रहे हैं, जिससे कि आप ट्रिकी मेथड, जिससे कि वहां तक क्योंकि कम समय रहता है परीक्षा करने के लिए। मान लिया उड़ान क्या है, x है, तो x इंटू 40 - 30 यानी परसेंटेज का आंसर हम देखेंगे, ये क्या है, ये वैल्यू जो है 12 के बराबर है। x इंटू 10/100 = 12 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 × 100/10। ठीक है, तो हो गया 120। x की वैल्यू कितना आ गया 120, उसका पूर्णांक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 64% मत प्राप्त हुए। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 64% मत प्राप्त हुए और वह 19,600 अधिक मतों से चुना गया, तो कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया। ठीक, एक उम्मीदवार को 64% मत प्राप्त हुए, यानी एक को 64% मत प्राप्त हुआ और वह 19,600 अधिक मतों से क्या हुआ, चुना गया, तो कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया। इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसको देखिए हल कैसे करेंगे। मान लिया पहले कुल मतों की संख्या क्या है, पहले टोटल हम वैल्यू मानेंगे, ए एक्स है। ठीक, दोनों के मतों का प्रतिशत अंतर, दोनों के मतों का प्रतिशत अंतर बराबर क्या है, दोनों के मतों का वास्तविक अंतर जो है भाई प्रतिशत का अंतर। तो एक्स हमने टोटल माना है, और 64 - 36 यही अंतर है, ये बराबर कितना है 19,600 के। ठीक, 19,600 के एक्स गुड़े 28/100 बराबर 19,600 होता है। एक्स गुड़े 28/100 बराबर कितना है 19,600, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 19,600 × 100/28, तो कितना हो गया 70,000, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी थी 70,000। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि पंखे के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई और बिकने वाले पंखों की संख्या में 15% की गिरावट आ गई, यदि पंखे के मूल्य में क्या है 15% की वृद्धि हो गई और बिकने वाले पंखों की संख्या में 15% की गिरावट आ गई, तो बिक्री से प्राप्त धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है कमी, जैसे कोई वस्तु होती है उसको जैसे यानी कि वृद्धि में बेचा जाता है, यानी कि खरीदा जाता है लाभ पर, एक्सप्रेसिव लाभ पर, फिर एक्सप्रेसिव हान पर बेचा जाता है, तो इस कंडीशन में हमेशा कमी ही होगी। कमी प्रतिशत बराबर क्या है वृद्धि प्रतिशत गुणे कमी प्रतिशत बटे 100। इस तरह से हम करते हैं 15 × 15/100 हो जाएगा, कितना होगा 2.25% की कमी होगी, इसमें कितना होगा 15 × 15/100 बराबर 2.25%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होती है 2R + R² / 100। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, शॉर्ट ट्रिक मेथड है क्योंकि वहां पे बहुत कम समय रहता है और
लॉन्ग आंसर टाइप आप यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, इसको ढंग से एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। 2y + r² / 100, 2 × 10 + n² / 100 करते हैं, 20 + 1 = 21%। यानी किसी वर्ग की भुजा को 10% हम बढ़ाते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी 21% जो है बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसके आधार पर आप प्रस्तुत और चीज जो है ध्यान रखिए, जैसे 1/4 किसी का 1/4 अगर भाग हो तो वो क्या हो जाएगा, 25% क्या होगा, 25%। इसी तरह से यदि अगर 1/8 हो, अगर 1/8 भाग किसी वर्ग का हो क्या हो जाएगा, 12.5% क्या होगा, 12.5% होगा, है ना। और इसी तरह से हम निकालते हैं, और अगर 37 या फिर मान लीजिए 50% है क्या हो जाएगा, 1/2 भाग क्या होगा, 1/2 भाग। तो और वीडियो आता रहेगा प्रस्तुत में, इतने पे और सारा क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाएगा जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वनडे एग्जाम या सिविल सर्विस के भी अभ्यर्थी जो है जो कमजोर हो जिनकी मैथमेटिक्स पे देख सकते हैं, और आप वीडियो देखते रहिए, और भी वीडियो आपका मतलब आता रहेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।